1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, द एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, ठीक है। इस अधिनियम को आप देखोगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म योजना भी कहते हैं, रिफॉर्म योजना भी कहते हैं। इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म योजना भी कहते हैं, ठीक है विद्या। जितना जल्दी हो सके आप लोग ज्वाइन करिए ताकि क्लास किसी बच्चे को छूट ना पाए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस अधिनियम का पृष्ठभूमि क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका क्या बैकग्राउंड है। सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, इसके बाद इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके बाद इस अधिनियम का प्रावधान क्या है, प्रावधान के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और इसके बाद इसका समीक्षा किया जाएगा, इसके बाद इसका समीक्षा किया जाएगा कि इस अधिनियम के द्वारा जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की बात कहा गया, जिस उद्देश्य को प्राप्त करने का कोशिश किया गया वह मिला कि नहीं मिला, और नहीं मिला तो उसके लिए दोषी कौन है। क्योंकि आप देखोगे इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन पूछे गए, इसलिए इसे हमें बेहतर ढंग से तैयार करना होगा। कारण कि पिछले क्लास में आपने देखा था कई दफा कई बार इस टॉपिक से संबंधित सवाल पूछे गए, ठीक है। तो आइए बच्चों सबसे पहले हम प्रकाश डालते हैं कि 1919 का जो अधिनियम है उसको पास करने के पीछे, उसे पारित करने के पीछे सरकार के सामने क्या उद्देश्य है और उसके लिए क्या बैकग्राउंड है, ठीक है। बहुत सिंपल है बच्चों, देखिए सबसे पहला कारण तो ये है कि इस समय 1914 से लेकर 1918 के बीच चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, चल रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। सबसे पहला कारण है, और जैसा कि हमने क्लास में बताया है इस वार में भारतीय लोगों को सहायता प्राप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप सभी को हम आत्मनिर्णय करने का अधिकार देंगे, आपको हम आत्मनिर्णय करने का अधिकार देंगे, लेकिन यह अधिकार हम तब देंगे जब वार समाप्त हो जाएगा, जब वार समाप्त हो जाएगा और इंग्लैंड इस वार में विजयी हो जाएगा, इंग्लैंड इस वार में विजयी हो जाएगा तो आपको हम अधिकार देंगे। तो पहला कारण तो यही था बच्चा कि वार भी समाप्त हो गया और सरकार को अब पुरस्कार देना था, भाई कुछ ना कुछ तो देना ही था, दबाव बढ़ रहा था।
इसके अलावे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान आर्थिक परेशानियां भी बढ़ रही थी, लगातार बेरोजगारी बढ़ रही थी, गरीबी बढ़ रहा था, महंगाई बढ़ रही थी और किसान मजदूरों का आंदोलन भी बढ़ रहा था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से जनित, उससे उत्पन्न जो आर्थिक समस्याएं हैं उसको देखते हुए भी जरूरी था कि सरकार को कुछ कंसेशन देना चाहिए। तो सबसे पहला कारण तो यही हो गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के प्रभाव यानी राजनीतिक, यानी सामाजिक और यानी आर्थिक, इन तीनों का प्रभाव था कि सरकार ने कहा कि ठीक है आप शांत हो जाइए, आपको हम कंसेशन देने जा रहे हैं, कुछ अधिकार देने जा रहे हैं, आपको हम शासन से जोड़ने जा रहे हैं, आप लोग अपने संतोष को आगे मत बढ़ाइए, हम आपके लिए कुछ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला कारण हो गया। दूसरा कारण 1916 के दौरान आप देखोगे 1916 के दौरान एलिवेशन आपको याद होगा और तिलक के द्वारा चलाया गया होम रूल मूवमेंट चलाया गया, इन दोनों के द्वारा चलाया गया होम रूल मूवमेंट, घरेलू शासन आंदोलन चलाया गया। इसमें इनका मांग था कि जैसे कनाडा है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, जैसे साउथ अफ्रीका है, वहां भी आपकी सरकार है, इंग्लैंड से कि वहां भी आपकी सरकार है और वहां के लोगों को आपने सेल्फ रूल करने का अधिकार दिया है, वहां होम रूल करने का आपने अधिकार दिया है, यानी कुछ स्वायत्त आप अधिकार दिए, ऑटोनॉमी दिए, तो हम भी चाहते हैं कि जिस तरह से कनाडा के लोगों को आप ऑस्ट्रेलिया में वहां के लोगों को कुछ ऑटोनॉमी दिए हुए हैं, स्वायत्ता दिए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि हमें भी कुछ सीमित अर्थों में स्वायत्ता दे दिया जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि हम आपसे स्वतंत्र होना चाहते, आपको यहां रहना है, हमें कुछ आप स्वायत्त अधिकार दे दीजिए, यानी कि सेल्फ रूल अंडर ब्रिटिश एम्पायर, सेल्फ रूल अंडर द ब्रिटिश एम्पायर। अब ये ऊपर से ब्रिटिश साम्राज्य बनी रहेगी और बीच में भारत को हम कुछ क्या देंगे, अधिवेशन होता है। आप पढ़े होंगे, इसके पहले हमने पढ़ाया है कि लखनऊ में दिसंबर 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का एक बैठक होता है और दोनों के बैठक में इस बात पर सहमति बन जाती है कि हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में एक दूसरे को सहायता देते हुए हम लोग स्वराज की मांग करेंगे, यानी हिंदू मुस्लिम एकता भी हो रहा है, यानी मॉर्ले मिंटो फेल हो रहा है, यहां पर मॉर्ले मिंटो फेल हो रहा है, यानी भले कांग्रेस ने गलती किया कि मॉर्ले मिंटो को स्वीकार कर लिया, लेकिन कम से कम मुसलमानों के दिमाग में अब कोई विरोध नहीं, वो भी चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ हम मिले और दोनों पार्टी मिलकर के एक साथ एक मंच के माध्यम से सरकार के सामने अपनी बातों को रखेगी और दोनों का एक साथ जब मिलाप होगा तो इसका मनोवैज्ञानिक दबाव भी सरकार पर, क्योंकि सरकार का कहीं ना कहीं जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है वो फेल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फेल हो जाएगी, कारण कि दोनों एक मंच पर आ गए, दोनों एक दूसरे को सहायता करने की बात कर रहे हैं। अब लीग जो है कांग्रेस का विरोध नहीं कर रही है, कांग्रेस लीग का विरोध नहीं कर रही। इन सभी बातों को देखते हुए बच्चों 20 अगस्त की बात है, 20 अगस्त 1917 की बात है,
ये बात है 20 अगस्त 1917 की बात है, जब भारत का राज्य सचिव क्या नाम था, उजाला मंटेगी, 20 अगस्त 1917 की बात है, जब इंग्लैंड के संसद में, यानी इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन का मतलब हो गया इंग्लैंड का लोकसभा, लोकसभा में उस समय भारत सचिव के पद पर विराजमान, उस समय भारत सचिव के पद पर आसीन लॉर्ड मंटेग्यू, मंटेग्यू ने एक घोषणा पत्र को जारी किया, कहां पर, हाउस ऑफ कॉमन में, कब, 20 अगस्त 1917, क्या किया, एक घोषणा पत्र को पढ़ा, एक घोषणा पत्र को पढ़ा जिसमें कहा गया कि हम भारत में एक ऐसे संवैधानिक सुधार की योजना को लागू करने जा रहे हैं, हम हिंदुस्तान में एक ऐसे संवैधानिक योजना को लागू करने जा रहे हैं जिसका उद्देश्य होगा कि हिंदुस्तान के लोगों को ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक संस्थाओं से जोड़ा जाएगा और उसके माध्यम से हिंदुस्तान के लोगों को स्वराज्य, स्वराज्य करने की शिक्षा दी जाएगी कि कैसे सेल्फ रूल करना है। तो हमारा उद्देश्य है कि भारत को ब्रिटिश सरकार की अभिन्न अंग रहते हुए, मेरे शब्दों पर ध्यान देना, भारत को ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग रहते हुए एक स्वराज्य या एक स्वायत्त, है ना, देश के रूप में स्थापित करना, ताकि यहां के लोग हमसे जुड़ करके और इस बात का ज्ञान उन्हें हो जाए कि स्वायत्त शासन कैसे किया जाता है। समझ गई, याद रखना, इस घोषणा में क्या कहा गया, जरा मैं लिखता हूं, देखना जरा, इस घोषणा में कहा गया कि वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एन एक्ट विच विल हेल्प इंडिया टू डेवलप, which will help India to develop a self local government being a part of British Empire. यही घोषणा पत्र है, मंटेग्यू ने इसी को पढ़ा था, वी आर गोइंग टू डेवलप इंट्रोड्यूस एन एक्ट विच विल हेल्प इंडिया टू डेवलप ए सेल्फ लोकल गवर्नमेंट बीइंग ए पार्ट ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। हम लोग भारत में एक ऐसे कानून को लागू करने जा रहे हैं, एक ऐसे अधिनियम को लाने जा रहे हैं जो भारत को एक स्वायत्त शासन करने वाली इकाई के रूप में, एक स्वायत्त शासन करने वाली इकाई के रूप में विकसित होने में मदद करेगा, एक स्वायत्त शासन करने वाली इकाई के रूप में
विकसित होने में मदद करेगा, मदद करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका बैकग्राउंड है, ये आपका बैकग्राउंड है। और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भारत में एक स्वायत्त शासन स्थापित करने में भारतीय लोगों को सहायता करना, यह इसका उद्देश्य है, भारतीय लोगों को सहायता करना। 1919 के अधिनियम का उद्देश्य है। अमन जो बैकग्राउंड हमने लिखवाया है वो इसके पहले आप लोग पढ़ चुके हैं, अब फिर उसी बात को रिपीट करना पड़ेगा। बस आपको याद रखिए कि बैकग्राउंड यही है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का प्रभाव पहले भी आपने पढ़ा है, इसके बाद तिलक और बेसेंट का होम रूल मूवमेंट, इसके बारे में मैंने बताया है आपको कि दोनों का उद्देश्य था कि हमें जो है एक स्वायत्त शासन करने का अधिकार दिया जाए। ठीक है, यही दो सबसे खास इसका बैकग्राउंड है। और तीसरा है कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच लखनऊ में होने वाला आपसी एक तरह से सहायता करने का एक संधि। ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है जो कि बहुत जरूरी है। ठीक है, आप पहले से पढ़े हुए इसको। अब हम लेते हैं 1919 के अधिनियम का प्रावधान, 1919 के अधिनियम का प्रावधान, इसको आप नोट कर सकते हैं क्योंकि ये सब तथ्य है। 1919 के अधिनियम का प्रावधान, 1919 के अधिनियम का प्रावधान, हाँ तो उद्देश्य थोड़े था तो घटना है ना, इस अधिनियम में थोड़े उद्देश्य होगा कि आपको दमन करना है ना। इसका उद्देश्य था कि जो आपका संवैधानिक मांग है उसको हम पूरा करना चाहते हैं। ठीक है, लिखिए प्रावधान। प्रावधान में सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर वन, केंद्रीय स्तर पर प्रावधान, केंद्रीय स्तर पर प्रावधान इसमें लिखिए सबसे पहला पॉइंट, पहली बार केंद्र में दो सदनों वाली विधान परिषद स्थापित किया। पहली बार केंद्र में दो सदनों वाली विधान परिषद स्थापित किया, जैसे पहला हो गया राज्य परिषद और दूसरा हो गया केंद्रीय विधानसभा राज्य परिषद और दूसरा हो गया केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद में कुल मेंबर 60, राज्य परिषद में कुल मेंबर 60
60 में 26 नॉमिनेटेड, 60 में 26 नॉमिनेटेड, नामांकित मनोनीत और 34 इलेक्टेड और 34 निर्वाचित। राज्य परिषद के 60 मेंबर्स में से 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत। केंद्रीय विधानसभा में कुल मेंबर्स 145, केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्य कितने हैं 145, 145, जिसमें से 104 104 इलेक्टेड, जिसमें से 104 इलेक्टेड हैं निर्वाचित है और 41 मनोनीत नॉमिनेटेड। 41 क्या है मनोनीत, 41 क्या है मनोनीत। बच्चों ध्यान रखना, जो राज्य विधानसभा है, ये जो राज्य परिषद है वह आज का राज्यसभा है, वह आज का राज्यसभा है। क्या है? आज का राज्यसभा, राज्य परिषद। जो केंद्रीय विधानसभा है वह आज का क्या है? लोकसभा है। वह क्या है? लोकसभा। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, केंद्रीय प्रावधान में दूसरा पॉइंट, केंद्रीय प्रावधान में दूसरा पॉइंट, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा शक्ति पावर्स अधिकार राइट्स और उत्तरदायित्व यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, पावर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इन तीनों को दो भागों में बांट दिया, इनको दो भागों में विभाजित कर दिया। पहला भाग है केंद्रीय सूची, केंद्रीय विषय, और दूसरा भाग है राज्य से संबंधित विषय, राज्य से संबंधित विषय, और दूसरा है राज्य से संबंधित विषय। ऐसा काम पहली बार हुआ है बच्चों, ध्यान रखना। जितने भी भारत में संघीय सरकार के अधिकार थे उसको दो भागों में वर्गीकृत कर दिया गया। पहला भाग है केंद्रीय विषय और दूसरा भाग है राज्य से संबंधित विषय। केंद्रीय विषय में क्या रखा गया? रक्षा डिफेंस, इसमें रखा गया डिफेंस, इसमें रखा गया विदेश नीति, इसमें रखा गया विदेश नीति, इसमें रखा गया संचार कम्युनिकेशन, इसमें रखा गया वित्त वित्तीय क्षेत्र, इसमें रखा गया वित्तीय क्षेत्र, रक्षा विदेश मंत्री, विदेश नीति, संचार, हाँ बिल्कुल सही एवं, और वित्तीय क्षेत्र, इसको रखा गया। जबकि राज्य से संबंधित विषय में रखा गया कृषि हो गया, सिंचाई हो गया, इसके बाद शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया इत्यादि। जबकि राज्य से संबंधित विषय, राज्य से संबंधित विषय में कृषि, सिंचाई, शिक्षा, हेल्थ, इन विषय को रखा गया। ठीक है, अब यदि हम
1919 का अधिनियम का मुख्य प्रावधान, यानी राज्यों के लिए इसका प्रावधान, राज्यों से संबंधित प्रावधान, राज्यों से संबंधित प्रावधान, और उसमें सबसे बड़ा प्रावधान है कि राज्यों में द्वैध शासन को लागू किया गया, राज्यों में द्वैध शासन को लागू किया, द्वैध शासन को राज्यों में लागू किया, और द्वैध शासन का यहां अर्थ है, द्वैध शासन का यहां अर्थ है कि जो राज्यों से संबंधित, जो राज्यों से संबंधित विषय है उसको दो भागों में बांटा गया, राज्यों से संबंधित विषय को दो भागों में बांट दिया। पहला भाग है बिल्कुल पहला भाग है आरक्षित और दूसरा भाग है अनारक्षित, बहुत बढ़िया निर्देश, और दूसरा है अनारक्षित, पहला है आरक्षित और दूसरा है अनारक्षित। जो आरक्षित है इसमें पुलिस हो गया, इसमें प्रशासन हो गया, इसमें न्यायपालिका हो गया, इसमें साथ ही साथ कुछ वित्तीय स्रोत हो गए, कुछ वित्तीय स्रोत हो गए, इनको रखा गया। हाँ फाइनेंशियल ठीक है, यानी आरक्षित में पुलिस, न्यायपालिका, प्रशासन और कुछ धन, धन का मतलब कुछ वित्तीय क्षेत्र को रखा गया, कुछ वित्तीय स्रोत को रखा गया, जिस पर कानून बनाने का अधिकार, जिस पर कानून बनाने का अधिकार, जिसके बारे में कुछ नियम बनाने का अधिकार केवल और केवल प्रांतीय गवर्नर को होता था, केवल और केवल प्रांतीय गवर्नर के हाथ में था, केवल और केवल प्रांतीय गवर्नर के हाथ में होता था कि वह इन विषयों से संबंधित जो क्षेत्र है उस पर वह कानून बना सकता है, इन क्षेत्रों में जो निर्वाचित मंत्रिमंडल है उसका कोई भी इनमें हस्तक्षेप नहीं था, उनका क्षेत्राधिकार नहीं था, वो अलग था उनके क्षेत्राधिकार से। जबकि आरक्षित, जबकि जो आरक्षित विषय है, नॉन रिजर्व है, नॉन रिजर्व विषय जो है उसमें रखा गया कृषि को, उसमें रखा गया सिंचाई को, उसमें है पशुपालन को, पशुपालन है, उसमें सहकारिता है, उसमें शिक्षा है, उसमें स्वास्थ्य है, यानी ऐसे क्षेत्र रखे गए जो विशेष तौर पर महत्वपूर्ण नहीं, ऐसे क्षेत्र को रखा गया कहां पर, अन आरक्षित क्षेत्र में रखा गया, अन आरक्षित क्षेत्राधिकार में रखा। और बच्चों आप देखोगे कि जो राज्य के क्षेत्र में अनारक्षित क्षेत्र हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल मंत्रिमंडल को होता था, जो भारतीय मंत्रिमंडल हुआ करती थी, जो चुनाव के माध्यम से प्रांतीय विधानसभा से निर्वाचित होकर जाया करती थी। जैसे आज योगी जी की सरकार है, तो योगी जी का सरकार जो है
वह कैसा है? विधान परिषद से, विधानसभा से निर्वाचित होकर जो बहुमत दल का नेता होता है वह प्रांतीय स्तर पर मंत्रिमंडल का गठन करता है। ठीक उसी तरह से 1919 में भी यह प्रावधान था कि प्रांतों में चुनाव होगा, प्रांतों में चुनाव करवाया जाएगा, प्रत्येक 3 साल पर चुनाव होगा और चुनाव के बाद प्रांतीय विधानमंडल से निर्वाचित होकर एक भारतीय मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा और वही मंत्रिमंडल इन विषय के बारे में कानून बनाएगी, लेकिन जो प्रांतीय गवर्नर होगा उसके पास अभी भी कितना, उसके पास सीमित नहीं, उसके पास असीमित अधिकार होते थे कि वह कानून को रद्द कर सकता था, वह ब्रिटिश गवर्नर जनरल के लिए वह उसे आरक्षित कर सकता था, जैसे कि इस समय भी करता है गवर्नर, कुछ ऐसे कानून है उसको वह लंबित कर देगा कि हम इसे राष्ट्रपति से दिखवाना चाहते हैं। तो आप देखोगे कि द्वैध शासन के माध्यम से प्रांतों में शासन 2 भागों में बट गया। एक भाग वो था जिसका प्रशासन प्रांतीय गवर्नर के माध्यम से चलता था और दूसरा भाग वो था जिसका प्रशासन प्रांतीय विधानमंडल से निर्वाचित होकर गठित होने वाली भारतीय मंत्रिमंडल के माध्यम से होता था। ठीक है, अब हम इसका समीक्षा करेंगे कि इसका क्या समीक्षा हो सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका समीक्षा ये है बच्चों कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा ध्यान है, समीक्षा ये है कि 1919 इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हमको दोबारा कहना पड़ेगा, नोट कर लीजिए, मैं बोलता हूं, समीक्षा लिखिएगा, समीक्षा समीक्षा लिखिएगा। देखिए, यद्यपि 1919 के अधिनियम, यद्यपि 1919 के अधिनियम में प्रांतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने, उत्तरदायी शासन स्थापित करने का प्रावधान किया गया और इसके लिए प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान किया गया लेकिन प्रांतीय गवर्नर और प्रांतीय निर्वाचित मंत्रिमंडल के बीच अधिकार और दायित्वों का विभाजन, सही तरह से नहीं किया गया।
जैसे नंबर वन, पहला जैसे नंबर वन प्रांतों में निर्वाचित, प्रांतों में निर्वाचित मंत्रिमंडल के पास, प्रांतों में निर्वाचित मंत्रिमंडल के पास वित्तीय अधिकार, वित्तीय अधिकार बहुत सीमित थे, वित्तीय अधिकार बहुत ही सीमित थे, वित्तीय अधिकार बहुत ही सीमित थे, वित्तीय अधिकार बहुत ही सीमित थे। नंबर टू, प्रांतीय मंत्रिमंडल, प्रांतीय मंत्रिमंडल का, प्रांतीय मंत्रिमंडल का प्रशासन के ऊपर भी, प्रांतीय मंत्रिमंडल का प्रशासन के ऊपर भी प्रभावकारी कंट्रोल नहीं था, प्रभावकारी नियंत्रण नहीं था, प्रभावकारी नियंत्रण नहीं था। नौकरशाह मतलब ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाह सामान्य तौर पर ब्रिटिश गवर्नर के बात को सुनते थे, सामान्य तौर पर ब्रिटिश गवर्नर के बात को सुनते थे, ब्रिटिश गवर्नर के बात को सुनते थे, सामान्य तौर पर ब्रिटिश गवर्नर के बात को सुनते थे। नंबर थ्री, प्रांतों में विषयों का बंटवारा, प्रांतों में विषयों का बंटवारा करने के क्रम में, प्रांतों में विषयों के बंटवारा करने के क्रम में अति महत्वपूर्ण विषय को आरक्षित वर्ग में रखा गया, अति महत्वपूर्ण विषय को आरक्षित वर्ग में रखा गया। संक्षेप में 1919 का अधिनियम, संक्षेप में 1919 के अधिनियम के द्वारा भारतीयों को शासन प्रशासन से जोड़ते हुए एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का सुझाव दिया गया, एक उत्तरदायी सरकार स्थापित करने का सुझाव दिया गया, लेकिन यह सही अर्थों में उत्तरदायी न होकर गैर उत्तरदायी सरकार अव्यवहारिक सरकार अव्यवहारिक सरकार को स्थापित करने की बात
अव्यवहारिक सरकार को स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरित प्रतीत होता है। अव्यवहारिक सरकार को स्थापित करने के उद्देश्य से प्रेरित प्रतीत होता है, प्रेरित प्रतीत होता है। यही कारण है कि स्वयं ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित, यही कारण है कि स्वयं ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित, यही कारण है कि स्वयं ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित साइमन कमीशन, स्वयं ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित साइमन कमीशन ने अपने रिपोर्ट में, साइमन कमीशन ने अपने रिपोर्ट में प्रांतीय द्वंद्वी शासन को समाप्त करने का सुझाव दिया। प्रांतीय ध्वज शासन को समाप्त करने का सुझाव दिया, प्रांतीय ध्वज शासन को समाप्त करने का सुझाव दिया, जिसे 1935 के अधिनियम के द्वारा, जिसे 1935 के अधिनियम के द्वारा 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, 1935 के अधिनियम के द्वारा समाप्त किया गया, फुल स्टॉप। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उसको हम लोगों ने फोकस किया है, और बाकी को हमने अपने आपको शुरू से कहा है कि देखो भाई, ताली दोनों हाथ से बजती है। हमारा काम है आपको क्लास में 75% देना, हमारा काम है क्लास में 75% देना, और आपका काम होना चाहिए इसमें 25% को ऐड करना, इसमें 25% को ऐड करना, और तब जाकर बनेगा 100%। और वही होता है आपका सक्सेस, सफलता। जब तक इसको नहीं जोड़ेंगे तब तक आप सफल नहीं होंगे, ध्यान दीजिएगा। और आप लोगों ने मेरे द्वारा जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसका उत्तर लिखने में सक्षम हो गए, इसका मतलब कि आप पढ़ रहे हैं, तभी जाकर के ऐसे सवालों को उत्तर दे रहे हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो फिर पढ़ना छोड़ देना है। जब तक पास आप नहीं करते हैं तब तक भैया आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ, पास होने के बाद भले लिखना बंद कर दीजिए, लेकिन जब तक पास नहीं करते हैं, जब तक आपका रिजल्ट नहीं निकलता है, तब तक रोज एक आपको प्रश्न लिखना। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप इतिहास ही लिखा करिए, इतिहास भी हो सकता है, विज्ञान भी हो सकता है, इकोनॉमी भी हो सकता है, मतलब जीएस का कोई भी सेगमेंट हो, आपको एक प्रश्न को लिखना है। हाँ, चूंकि हिस्ट्री ऑप्शनल है तो ये तो भाई कंपलसरी है रोज, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए, लिखिए द एक्ट ऑफ, बहुत अच्छा प्रश्न है, द एक्ट ऑफ 1919 ओके डेलिबरेटली गेव द फाउंडेशन ऑफ, द फाउंडेशन ऑफ एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ओके इन द
इन द प्लेस ऑफ सो कॉल्ड ए रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. एक सौ बीस सब 120 शब्द. इसका हिंदी में बोलूंगा, पहले आप इसे नोट कर लीजिए आराम से. The Act of 1919 deliberately gave the foundation of unresponsible government in the place of so-called a responsible government. 120 शब्दों में इसका उत्तर दिखना है. आप सभी को दिखाई दे रहा है बोर्ड? आप सभी लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, ये लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? ठीक है ठीक है ठीक है. इसका हिंदी नोट कीजिए, इसका हिंदी लिखिए, हिंदी हिंदी लिखिए. 1919 के अधिनियम ने इस प्रश्न का हिंदी लिखिए. 1919 के अधिनियम ने 1919 के अधिनियम ने भारत में उत्तरदायी तथा कथित उत्तरदायी भारत में तथा कथित उत्तरदायी सरकार के जगह पर एक गैर उत्तरदायी सरकार एक गैर उत्तरदायी सरकार की नींव रख दी. 120 शब्दों में आपको इसको लिखना है. पूजा क्वेश्चन चल रहा है तुमको, देखो इसमें वही बाकी है. जो बच्चों द्वैध शासन की जो बुराइयां हैं, जो द्वैध शासन की कमजोरियां हैं, उसको ही इसमें लिखना है. कि एक और आप कहते हैं कि हम भारत में क्या देंगे, उत्तरदायी सरकार देंगे. अच्छी बात है, यानी हमारा आप एक सुचिंतक बनना चाहते हैं, मेरा वेल विशर बनना चाहते हैं कि हम लोग आप लोगों को एक उत्तरदायी सरकार देंगे. अच्छी बात. लेकिन हुआ क्या? हुआ तो ये कि आपने उत्तरदायी सरकार देने की जगह एक ऐसा सरकार आपने दे दिया जो काम करना तो चाहती है लेकिन उसके रास्ते में इतना समस्याएं हैं, इतना रुकावट है, आपने पैदा किया रुकावट कि वह काम करना चाहती है लेकिन कर नहीं पाती. जैसे हम देखते हैं कि 1919 के अधिनियम के बाद चुनाव होता है, आपको याद होगा मैंने पढ़ा है, और उस चुनाव के बाद जब उस समय गांधी का असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है, गांधी जेल में चले जाते हैं, अभी बहिष्कार हो रहा है, आपको याद होगा उस समय मोतीलाल नेहरू ने कहा, सी आर दास ने कहा कि भाई हम लोग एक काम करते हैं कि ब्रिटिश सरकार के साथ जो हम लोगों ने हर स्तर पर असहयोग करने की बात को माना है उसमें कुछ हम बदलाव करते हैं और हम लोग सरकार का बहिष्कार करेंगे लेकिन अब विधानसभा में जाकर करेंगे. यानी गांधी ने जिस प्रोग्राम का रूपरेखा निर्धारित किया है कि हमें ब्रिटिश सरकार के हर संस्थाओं का बहिष्कार करना है, उसमें थोड़ा सा हम क्या करेंगे, मॉडिफिकेशन करेंगे और हम अभी भी सरकार के द्वारा स्थापित स्कूल को, कॉलेज को, उनके कोर्ट को हम विरोध करेंगे लेकिन विधानसभा के विरोध की जहां तक बात है उसको हम लोग छोड़ देते हैं. यानी इसमें हम लोग बदलाव करेंगे.
यानी चुनाव होने वाला है, उस चुनाव में हम लोग भाग लेंगे और भाग लेने के बाद हम लोग विधानसभा में प्रवेश करेंगे। विधानसभा में जाने के बाद हम लोग मंत्रिमंडल बनाएंगे, हमारा कैबिनेट होगा कांग्रेस का, और हमारा एक ही मकसद होगा कि जो गवर्नर कानून बनाना चाहता है, यदि वह कानून भारतीय लोगों के हितों के अनुरूप नहीं है तो हम विधानसभा में वॉकआउट करेंगे। हम क्या करेंगे? वॉकआउट करेंगे। जब वॉकआउट करेंगे तो सरकार के पास रास्ता नहीं बचेगा, तब सरकार क्या करेगी? अध्यादेश का सहारा लेगी। जब विधानसभा में हम कानून पारित नहीं होने देंगे तो गवर्नर क्या करेगा? ऑर्डिनेंस का सहारा लेगा, अध्यादेश का सहायता लेगा। और जब अध्यादेश का सहायता लेगा तो हम मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से पूछेंगे सरकार से कि भाई ये कौन आपका उत्तरदायी सरकार है। एक और उत्तरदायी सरकार की बात करते हैं। और जब आपका कोई कानून हमारे सामने आता है, हम नहीं चाहते कि हम पास नहीं करेंगे, तो आप अध्यादेश के माध्यम से पास करते हैं, तो भैया ये बताओ उत्तरदायी सरकार यही है? जब अध्यादेश के माध्यम से कानून बनाना है तो आपने विधानसभा गठन क्यों किया? सीधी सी बात है, जब इसी से काम चल जाएगा तो बिना मतलब की चुनाव क्यों करवाया? और इस तरह से हम क्या करेंगे कि जो 1919 का नियम है उसका हम धज्जियां उड़ा देंगे, यानी उसके अंदर जो पोल है उसको खोल देंगे कि भाई यही इनका उत्तरदायी सरकार है। जब हम कहते हैं कि विधानसभा इस कानून से राजी नहीं है तो ये ले जाते हैं और गवर्नर साहब कहते हैं कि राजी नहीं है तो हम तो राजी हैं, बन जाता है कानून। तो ऐसा बिना मतलब के बखेड़ा करने से कोई फायदा नहीं है। ये बंद कीजिए दुकान और अपने गवर्नर से कहिए सरकार चलाए। समझ गए जल्द बच्चों? इसमें इसी बात को आपको लिखना है, ध्यान दीजिए, ठीक है? दूसरी बात, आपने कहा उदार, आपने कहा कि हम उत्तरदायी सरकार स्थापित करेंगे, अच्छी बात है। तो भैया सरकार तब चलती है जब सरकार के पास इंजन होता है, और इंजन क्या लेता है? तेल पानी लेता है। आपने तो हमें इंजन दे दिया लेकिन पेट्रोल पंप आपके पास है, वित्तीय स्रोत, पेट्रोल पंप आप अपने पास रखे हैं और हमें दे दिए हैं एक खाली इंजन। और जब हम अपनी गाड़ी लेकर के आपके पास आते हैं कि भैया इसने 5 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए, तो आप कहते नहीं डालें। यानी सरकार को चलाने के लिए स्वतंत्र वित्तीय अधिकार होना चाहिए, स्वतंत्र बजट करने का अधिकार होना चाहिए, कर लगाने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन आपने हमें कोई वित्तीय अधिकार नहीं दिया, जिसका परिणाम होता है कि हमको अपने आवश्यकता के लिए आप पर निर्भर रहना पड़ता है। एक और आपने अधिकार दिया है, उस अधिकार को संचालन करने के लिए धन का स्रोत होना चाहिए और आपकी मुट्ठी में। अब फिर आप कहते उत्तरदायी सरकार है, ये कैसा उत्तरदायी है भाई? इन सारी बातों को आप इस आंसर में लिखेंगे। तो ध्यान रखना बच्चों, जब आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे तो इसे आप 3 पैरा में बांटेंगे। कितना पैरा होगा? 3 पैरा। तो पहला पैरा होगा उसमें लिखेंगे व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये 1919 का अधिनियम क्या है, इसके बारे में बताएंगे संक्षेप में। पैरा बदलेगा, जो दूसरा पैरा होगा उसमें इसकी बुराइयों को लिखेंगे, उसमें इसकी कमियों को लिखेंगे, और जो तीसरा पैरा होगा उसमें आप निष्कर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे?
निष्कर्ष लिखे। हाँ, जो निष्कर्ष होगा वह केवल नकारात्मक नहीं होगा, कुछ नकारात्मक होगा और कुछ सकारात्मक। तो कैसे लिखा जाएगा? निष्कर्ष भी लिखेंगे आप कि कुछ कमजोरियों के बावजूद, कुछ सीमाओं के बावजूद इस बात को खंडन नहीं किया जा सकता है कि 1919 के अधिनियम के द्वारा निस्संदेह भारत सीमित अर्थों में ही सही, सीमित अर्थों में ही सही एक उत्तरदायी शासन के रास्ते में कुछ कदम आगे बढ़ा। ये आपका जो है कंक्लूजन होना चाहिए। मैंने शुरू से कहा था कि हम लोग का निष्कर्ष हमेशा क्या होना चाहिए? सकारात्मक होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि यदि आपका निष्कर्ष निगेटिव होगा तो ऐसा मान लिया जाएगा कि नीतीश पाठक का जो सोच है, मनोविज्ञान है, वह निगेटिव, वह क्या है? निगेटिव। इसलिए कभी भी निष्कर्ष को आप निगेटिव नहीं लिखेंगे। हाँ, जो कमियां है उसको बताते हुए शुरू करेंगे, निष्कर्ष को कमियों को बताते हुए शुरू करेंगे, लेकिन उसका अंत हमेशा पॉजिटिव में ही होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो चलिए बच्चों, हम अब अगला जो है और अंतिम हम लेते हैं 1935 का दिन। ये जो तुमने आंसर लिखा था ना, ये बहुत मतलब ये क्वेश्चन बहुत ही खतरनाक है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि तुम पढ़ाई बढ़िया से कर रही हो, क्योंकि अब सही सही तुम्हारा आंसर हो रहा है, ठीक है? और दूसरी बात कि तुम्हारे अंदर एक अच्छाई ये भी है कि ग्रामर तुम्हारा सही है, मतलब जो एक वर्ड्स मीनिंग जो है ना, बहुत सारे बच्चे जो है ना जो ग्रामेटिकल एरर करते हैं, वो तुम्हारा आंसर थोड़ा स्पष्ट आता है और रीडेबल, मतलब रिडेबल का मतलब दूर से ही आगे पढ़ सकता है, अच्छी बात। हाँ, अगला हम लेते हैं बच्चों 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, इसको भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, इसके भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, यानी भारत का लघु संविधान भी कहते हैं, इसे भारत का लघु संविधान भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा संविधान है, उस संविधान पर More than 60% इस अधिनियम का प्रभाव है कि नहीं? क्योंकि हमारे संविधान के more than 60% पर इस अधिनियम का प्रभाव है, इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसे हम भारत का मिनी संविधान भी कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, इस संविधान का, इस अधिनियम का बैकग्राउंड क्या है। देखा जाए इसका बैकग्राउंड है बच्चों, 1927 नवंबर 1927 में गठित साइमन कमीशन की रिपोर्ट, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पहला प्रयोग है। दूसरा है 1930 से 32 के बीच में होने वाले
नंबर वन आरटीसी, नंबर टू एंड नंबर थ्री आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल सही है मन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है राइट। और हम ये भी मान सकते हैं, हम ये भी मान सकते हैं कि गांधीवादी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन आंदोलन का प्रभाव भी इसके ऊपर था, है ना। हमें भी मान सकते हैं कि अखिल भारतीय सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव भी इस अधिनियम के ऊपर दिखाई पड़ता है, वो भी था, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसका प्रभाव भी इस आंदोलन के ऊपर दिखाई सॉरी इस अधिनियम के ऊपर दिखाई देता है। अब आइए इन तीनों के बारे में हम पहले बताए हैं, ठीक है। आप कह सकते हो नेहरू रिपोर्ट भी है, ठीक है हम जोड़ लेते हैं, बिल्कुल आपने सही हमको याद दिलाया, हमने जानबूझकर छोड़ा था। आप कह सकते हैं कि 1928 में, ठीक है ना, 1928 में गठित नेहरू या 1928 में प्रतिपादित नेहरू रिपोर्ट का प्रभाव भी था, नेहरू रिपोर्ट का प्रभाव भी था 1928 में प्रतिपादित नेहरू रिपोर्ट का प्रभाव भी था, इन सब का सम्मिलित प्रभाव था। बच्चों आप देखोगे, मैंने बताया है, हालांकि इसको मैं रिपीट कर देता कि जब 1919 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा अधिनियम पारित किया गया तो उसमें कहा गया कि 1919 का वो अधिनियम है, इसके लागू होने के 10 साल के बाद, इसके लागू होने के 10 साल के बाद एक समिति का गठन किया जाए, एक समिति का गठन किया जाए जो बताएगी कि यह अधिनियम काम करता है कि नहीं करता, यह समिति जांच करेगी कि इस अधिनियम के द्वारा भारत में जिन उद्देश्यों को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसका हम प्राप्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, यानी इसके बारे में बताएगी अच्छा है बुरा है इसमें और क्या हो सकता है। और इसी बात को लेकर के 10 साल से पहले नवंबर 1927 में सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसको हम कहते हैं साइमन कमीशन, कहते हैं जिसको कहते हैं क्या हम साइमन कमीशन। इसका गठन किया गया था, यह कमीशन सबसे पहले जांच करेगी 1919 के अधिनियम को जांच करेगी और जांच करने के बाद सरकार को बताएगी कि सरकार और क्या कर सकती, यानी भारतीय लोगों को और हम अधिक शक्ति कैसे दे सकते, जितना हमने इस अधिनियम के माध्यम से दिया है उसमें हम और कैसे बढ़ोतरी करें। यदि रिपोर्ट कहता है कि भारतीय लोग योग्य नहीं हुए और अधिकार लेने के लिए तो हम नहीं देंगे, और यदि समिति कहती है कि नहीं अब भारतीय लोगों को कुछ और अधिकार देना चाहिए तो हम दे देंगे, बात तो अच्छी बात है। लेकिन साइमन कमीशन जब आया तो उसके जितने मेंबर्स हुआ करते थे वो सब क्या थे, अंग्रेज थे, और इसलिए हम लोगों ने विरोध किया कि अंग्रेजों के हाथ में यह अधिकार नहीं है कि हिंदुस्तान के लोगों के भविष्य के बारे में कानून बनाए। भाई आप हमारे बारे में कानून बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2-4 लोग को लेना चाहिए था,
भाई हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है कि लोगों की कमी, अरे 7 मेंबर्स थे, कम से कम 2 भी ले सकते थे, 5 आपके होते 2 हमारे होते, तो आपने 7 मेंबर्स को ले लिया, इंग्लैंड से ले लिया, अब आए हैं हमारे बारे में कानून बनाने। हमने साइमन कमीशन के रिपोर्ट को हमने खारिज कर दिया, लेकिन उस कमीशन में जो कहा गया था उसमें कुछ अच्छाई भी थी, और सबसे बड़ी अच्छाई तो यही थी कि साइमन कमीशन ने कहा कि सुनो भाई, जो 1919 का अधिनियम है उसके द्वारा आप लोगों ने प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू किया है वह बेकार है, उसको आप समाप्त कीजिए और प्रांतों में सही रूपों में उत्तरदायी सरकार स्थापित कीजिए, जो प्रांतीय विधानसभा से निर्वाचित होकर के प्रांतों में मंत्रिमंडलों का गठन हो रहा है उनको आप पर्याप्त अधिकार दीजिए, और अपने गवर्नर को रोकिए, अपने गवर्नर को रोकिए कि बिना वजह गवर्नर प्रांतीय मंत्रिमंडल के रास्ते में अवरोध पैदा ना करे। और यही नहीं, यदि आप चाहते हैं कि प्रांतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित हो तो उसके लिए मंत्रिमंडल के हाथ में कुछ पैसा या धन प्राप्त करने का अधिकार दीजिए, उनको कर लगाने का अधिकार दीजिए, उनको ऋण लेने का अधिकार दीजिए। जब तक उनके हाथों में स्वतंत्र वित्तीय अधिकार नहीं होंगे तो आप बताइए काम कैसे करेंगे। पूरा क्षेत्र आप लेकर बैठे हुए हैं, बजट आपके हाथ में है, सारा वित्तीय क्षेत्र आपके हाथ में है, और आप कहते हैं उत्तरदायी सरकार हो जाएगी, कहां से हो जाएगी। साइमन कमीशन के रिपोर्ट कुछ मामलों में अच्छे थे, हम लोगों ने केवल इसलिए विरोध किया क्योंकि उसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था, उसकी सबसे बड़ा बुराई यही था, यही हम लोग को अच्छा नहीं लगा। हम लोग को बुरा यही लगा कि यह कमीशन जो है पूरी तरह से व्हाइट कमीशन है, इसमें एक भी ब्लैक्स को नहीं दिया गया है, एक भी भारतीयों को नहीं दिया गया, यही हमें बुरा लगा, बाकी उसका रिकमेंडेशन अच्छे थे। इसके बाद फिर क्या हुआ बच्चों, मैंने सब बताया आपको, आपको याद होगा कि जब हम लोगों ने साइमन कमीशन को खारिज कर दिया तो सरकार ने हमें चुनौती दिया कि ठीक है, जब आपको लगता है कि हम सफेद लोग हैं, हम नस्लवादी हैं, हम आपके बारे में कानून नहीं बना सकते हैं, तो आपको स्वागत हम करते हैं, आप ही बना दीजिए, यदि आप लोग अपने से संविधान बना देंगे तो हम मान लेंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। और उसके बाद क्या हुआ कि मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में एक 9 मेंबर्स, कितने 9 यानी 9 लोगों का समिति का गठन किया गया, और इस समिति के सिफारिश पर जो आया दैट इज नेहरू रिपोर्ट। लेकिन इस रिपोर्ट को जिन्ना ने, मुस्लिम लीग ने स्वीकार नहीं किया, उसने कहा कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि जिन्ना ने मांग किया कि केंद्रीय विधानसभा में और प्रांतीय विधानसभा में मुसलमानों के लिए 1/3 सीट को आरक्षित कर दिया जाए। कांग्रेस ने कहा यह नहीं संभव है भाई, यह संभव नहीं है। उधर हिंदू महासभा ने कहा कि आप कैसे कर सकते, आप मुसलमानों के लिए 1/3 सीट कैसे आरक्षित कर सकते हैं, यानी कांग्रेस के ऊपर इधर से जिन्ना का, उधर से हिंदू महासभा का, अंत में रिपोर्ट फेल हो गई। तब जाकर के इंग्लैंड के सरकार ने कहा कि ठीक है, उधर गांधी का आंदोलन चल रहा था, गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, तब जाकर के ब्रिटिश सरकार ने लंदन में एक गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया। क्या? गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य था कि भारत के जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन सबको यहां पर बुलाया जाएगा,
और सबके साथ मिल करके आपस में एक परिचर्चा किया जाएगा कि हिंदुस्तान में जो संवैधानिक संकट है उसका एक सही समाधान क्या हो सकता है, और सबके सहमति से कोई ऐसा प्रावधान बनाया जा सकता है जिसको लेकर के कांग्रेस के मन में, जिसको लेकर के जीना के मन में, जिसको लेकर के हिंदू महासभा के मन में, जिसको लेकर के भारतीय ईसाई वर्ग के, ईसाई जो वर्ग है उसके मन में, और जिसको लेकर के जो सिख हैं, पंजाबी सिख, उनके मन में, और जिसको लेकर के जो दलितों का नेता है अंबेडकर, उनके मन में कोई प्रॉब्लम न हो। इसी बात को लेकर के इंग्लैंड की सरकार ने लंदन में 3 बार आरटीसी बुलाई। गांधी नहीं गए क्योंकि उस समय क्या चल रहा था, सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा। जब सेकेंड आरटीसी की बात हुई तब जाकर गांधी इरविन समझौता हुआ, मार्च 1931 में, 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौते, उसमें कहा गया कि ठीक है गांधी जी आप चलिए, अभी आप इसको निलंबित कर दीजिए, इसको क्या करिए सस्पेंड कीजिए, अभी आप चलिए गोलमेज सम्मेलन, जो आपकी समस्या है उसको रखिए, हो सकता है उसका समाधान निकल के आ जाए। गांधी जाते लेकिन कोई सफलता नहीं मिलती। फिर तीसरी बार आरटीसी आ गई तो तीसरा आरटीसी में भी कांग्रेस भाग नहीं लेता है। अब क्या हुआ बच्चों कि तीनों आरटीसी में जो डिस्कशन हुआ, तीनों आरटीसी में जो डिस्कशन हुआ वही डिस्कशन बन गया द एक्ट ऑफ 1930। ध्यान देना, यानी साइमन कमीशन के रिपोर्ट के ऊपर तीन आरटीसी में ब्रिटिश सरकार और भारतीय नेताओं के बीच में जो वार्तालाप हुआ वही बना 1935 के अधिनियम, वही बना 1935 का अधिनियम। तो आपने देख लिया इसका बैकग्राउंड क्या है। अब हम लेते हैं इसका उद्देश्य और इसका मुख्य प्रावधान। तीसरा भी छोड़ दिया, उधर से आने के बाद गांधी ने फिर शुरू किया, समझी, क्योंकि फेलियर हो गया था। इसलिए देखोगी कि जो गांधी का ये आंदोलन है यह 1930 से लेकर चला है 1934 तक चला, अब फिर 1934 तक जब गांधी जी वापस आते हैं तो कहते हैं कि सरकार सुधरने वाली नहीं, फिर उन्होंने शुरू किया और कहा कि जाके क्या करेंगे जब बात वहां बनती है, आरटीसी आप सुनाते हो, आरटीसी को सफल आप नहीं आप असफल बनाते हो, यानी लीग को भड़काने में किसका हाथ था, ब्रिटिश सरकार का। गांधी जी आरटीसी कहीं बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान में ज्वाइंट इलेक्टोरेट दिया था, है ना, ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी, भड़का रही थी, जिनका पहले से कह रहा था कि हमें क्या चाहिए पृथक निर्वाचन, अंबेडकर भी बात करने लगे, तब छोड़ दिया, कहा कि हम यहां भारत के बंटवारा करने वापस आए। हाँ वो तो तीनों में गया, ठीक है, उनको तो पहले में गए, दूसरे में गए, तीनों में गए थे। देखिए बच्चों उद्देश्य लिखिए, उद्देश्य बी फास्ट, उद्देश्य लिखिए, भारत में एक संघीय, भारत में एक संघीय शासन स्थापित करना,
भारत में एक संघीय शासन स्थापित कर, भारत में एक संघीय शासन स्थापित कर। जिसमें प्रांतीय, जिसमें प्रांतों में उत्तरदायी सरकार, जिसमें प्रांतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित हो, जिसमें प्रांतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित हो, जिसमें प्रांतों में उत्तरदायी सरकार स्थापित हो। अब लिखिए प्रावधान, प्रावधान लिखिए, बताते हैं। अब लिखिए प्रावधान लिखिए। सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर प्रावधान, सबसे पहले केंद्रीय स्तर पर प्रावधान। इसमें सबसे पहला ब्रिटिश प्रांत प्लस देशी रियासत, एक संघ स्थापित। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत से मिलकर एक संघ स्थापित, जिसमें ब्रिटिश प्रांतों को जुड़ना आवश्यक, लेकिन देशी रियासतों के लिए स्वैच्छिक, लेकिन देशी रियासतों के लिए यह स्वैच्छिक होगा। यह क्या होगा? स्वैच्छिक होगा। ब्रिटिश प्रांतों के लिए संघ में होना अनिवार्य। उजाला, यह संघ है, इसमें जो हिंदुस्तान के ब्रिटिश प्रांत ऑलरेडी दे, इनको होना ही होना होगा, लेकिन इनके लिए कंपल्सरी ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। यानी हैदराबाद इस संघ में सम्मिलित हो भी सकता है, उसका मन नहीं है तो सम्मिलित नहीं होगा। ध्यान देना। दूसरा लिखिए, संघ में दो सदनों वाली व्यवस्था भी कर, संघ में दो सदनों वाली व्यवस्थापिका यानी विधानसभा, दो सदनीय या द्विसदनीय विधायी, जैसे राज्य परिषद और संघीय सभा, राज्य परिषद और संघीय सभा, संघीय सभा का मतलब फेडरल असेंबली। राज्य परिषद मतलब काउंसिल ऑफ द स्टेट, राज्य परिषद में कुल मेंबर्स 207,
राज्य परिषद में कुल मेंबर्स 260, 260 में 154, 154 ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित, ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित ठीक है, 154 ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित, 104 देशी राजाओं से मनोनीत, देशी राजाओं से मनोनीत 104 देशी राजाओं से मनोनीत संघीय सभा 375 250 ब्रिटिश प्रांत, 250 ब्रिटिश प्रांत, 125 देशी रियासत, 125 देशी रियासत, सॉरी 125 देशी रियासत, नहीं दिखाई दे रहा, इधर देखो बच्चों, उधर दिखाई नहीं दे रहा आपको, इधर हमको दिखाई नहीं दे रहा, यहां दिखाई दे रहा है आपको, हाँ 375 250 ब्रिटिश प्रांत, 125 देशी राजा, 125 देशी राजा ठीक है। अगला पॉइंट, राज्य परिषद अस्थाई सदन, राज्य परिषद एक अस्थाई सदन, राज्य परिषद एक अस्थाई सदन, जैसे आज के राज्यसभा, राज्य परिषद एक अस्थाई सदन जैसे आजकल का राज्यसभा, संघीय सभा आज के लोकसभा की तरह, आज के लोकसभा की तरह प्रत्येक 5 सालों में, है ना, प्रत्येक 5 वर्षों में, प्रत्येक 5 सालों में चुनाव के माध्यम से गठित, चुनाव के माध्यम से गठित, चुनाव के माध्यम से गठित, अगले लगेगा केंद्र में ध्वज शासन लागू, 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 जैसे केंद्रीय विषय को 2 भागों में बंटवाना, केंद्रीय विषय को 2 भागों में बंटवाना, केंद्रीय विषय को 2 भागों में बंटवाना, महत्वपूर्ण विषय जैसे विदेश, रक्षा, वायसराय के हाथ में और
साधारण विषय, साधारण विषय और साधारण विषय संघीय संघीय सभा से, संघीय सभा से निर्वाचित होकर, संघीय सभा से निर्वाचित होकर गठित भारतीय मंत्रिमंडल, भारतीय मंत्रिमंडल के हाथों, संघीय सभा से गठित गठित होने वाली भारतीय मंत्रिमंडल के हाथों, भारतीय मंत्रिमंडल के हाथों। नेक्स्ट, भारत सरकार के, भारत सरकार के समस्त क्षेत्राधिकार को, भारत सरकार के समस्त क्षेत्राधिकार को तीन भागों में बांट दिया गया, तीन भागों में बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया। केंद्रीय विषय, केंद्रीय विषय, केंद्रीय विषय, राजकीय विषय और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, केंद्रीय सूची, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, और समवर्ती सूची। नेक्स्ट, इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा संघीय सरकार के लिए, इस अधिनियम के द्वारा संघीय स्तर पर, संघीय स्तर पर एक संघीय न्यायालय, एक संघीय न्यायालय, एक संघीय बैंक आरबीआई, आरबीआई वही हुआ, एक संघीय बैंक, एक संघीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग के गठन करने का भी प्रावधान, एक संघीय न्यायालय, एक संघीय बैंक, एक संघीय लोक सेवा आयोग का गठन करने का भी प्रावधान, का गठन करने का भी प्रावधान। नेक्स्ट, प्रांतीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर मुख्य प्रावधान, प्रांतीय स्तर पर मुख्य प्रावधान, प्रांतीय स्तर पर मुख्य प्रावधान। प्रांतीय स्तर पर प्रावधान, प्रावधान सबसे पहला, प्रांतों में ध्वज शासन का उन्मूलन, प्रांतों में ध्वज शासन का उन्मूलन, का उन्मूलन तथा प्रांतों में ध्वज शासन का उन्मूलन तथा उदराई शासन का गठन, उदराई शासन का गठन, ये पहला है। और प्रांतीय सरकार को स्वतंत्र, प्रांतीय सरकार को स्वतंत्र
बेटिए अधिकार भी दिया गया, अधिकार भी दिया गया। प्रांतीय सरकार को स्वतंत्र वित्तीय अधिकार भी दिया गया। नंबर टू, प्रांतों में भी दो सदनों वाली विधायिका का गठन, जैसे मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत, बिहार में विधानसभा और विधान परिषद दोनों का गठन, मद्रास, बंबई, संयुक्त प्रांत और बिहार में विधानसभा तथा विधान परिषद का गठन, जबकि मध्य प्रांत जैसे में केवल विधानसभा, केवल एक सदनीय व्यवस्था स्थापित, जबकि केंद्रीय प्रांत में, सेंट्रल प्रोविंस में केवल एक सदनीय विधानसभा का गठन, इसका समीक्षा इस अधिनियम का समीक्षा में लिखिए। संघीय प्रावधान लागू नहीं हुए, लागू नहीं हुए क्योंकि संघ स्थापित नहीं हुआ। लेकिन इस अधिनियम के प्रांतों से संबंधित प्रावधान को लागू किया गया और उसके आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव भी हुआ, और उस आधार पर 1937 में प्रांतीय चुनाव हुआ जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के 11 राज्यों में से जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के
जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के 11 राज्यों में से कांग्रेस के द्वारा 9 राज्यों में कांग्रेसी सरकार स्थापित किया गया। केवल पंजाब और बंगाल में गैर कांग्रेसी सरकार स्थापित की। केवल पंजाब और बंगाल में ही गैर अंग्रेजी सरकार स्थापित हुई। संक्षेप में निसंदेह कुछ अर्थों में सकारात्मक व्यवस्था स्थापित करने सकारात्मक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रोत्साहन देती है लेकिन अभी भी उत्तरदायी सरकार के रास्ते में कई तरह के अपनिवेशिक बाधाएं विद्यमान थी। ठीक है, तो ये आपका जो है 1935 का अधिनियम का प्रावधान है। ठीक है, तो आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ टॉपिक लेंगे, पोस्ट 1947 से हम लोग लेंगे, यानी कि लगभग 1947 तक का इतिहास को हम लोगों ने समाप्त कर दिया। ठीक है, अब हम लेंगे कुछ टॉपिक कि पोस्ट इंडिपेंडेंस में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जहां से क्वेश्चन पूछे गए उसमें से हम सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन एक टॉपिक होगा मेरा, ये पुनर्गठन। इसके बाद भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन, तीसरा स्वतंत्र विदेश नीति का विकास, और इसके बाद हम लेंगे कि स्वतंत्र भारत में एक बेहतर एवं संगठित
आर्थिक तथा सामाजिक व्यवस्था की रूपरेखा की रूपरेखा ठीक है। यानी इतने जो है टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे ठीक है। स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन कैसे होता है, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन कैसे होता है, स्वतंत्र विदेश नीति का विकास ठीक है, और स्वतंत्र भारत में एक बेहतर और संगठित आर्थिक और सामाजिक विकास का रूपरेखा ठीक है। क्योंकि यहां से हमेशा आप देखोगे सवाल पूछे गए हैं। देखो मैंने शुरू से बताया है कि मेरा उद्देश्य रहा है, इतना लंबे समय से हम लोग आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं, अब खत्म होने वाला है, तो ऑलमोस्ट हम लोगों ने क्या किया है कि जो पिछले 10 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हमने अपना आधार बनाया कि क्लास में हम कोई टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे तो हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि ये टॉपिक पहले कितने बार इससे सवाल पूछे गए और फ्यूचर में यहां से कितने सवाल पूछे जा सकते। भाई हमें तो यही कोशिश करना है ना कि जो अधिक बार परीक्षा में पूछे गए हैं उसको हम पढ़ें ठीक है। तो आइए हेडिंग डालिए स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन ठीक है। स्वतंत्र भारत में राज्यों का पुनर्गठन हाँ वो तो आएगा उसी। अब देखिए यहां से हमें क्या क्वेश्चन मिल सकता है, और इसके पहले भी वही आया है और बाद में वही आएगा, ऐसा नहीं है कि ये नहीं आएगा। भाई सबसे अच्छाई तो इतिहास में यही है कि आपके सीनियर VIS बन गए और इस समय सचिव हैं, यानी सचिव का मतलब सीनियर IAS ऑफिसर है, वो भी इसी को पढ़े, आप भी इसी को पढ़ गए। इतिहास में यही अच्छाई है कि एक बार तैयारी हो गई तो टेंशन खत्म। अब टेंशन करना है उन विषय के बारे में जो लगातार परिवर्तित हो रहे हैं, ये तो मेरे साथ है। इस बात को यदि आप समझ गए तो इसका फायदा बहुत मिलेगा, टेंशन समाप्त हो जाएगा। देखिए अब यहां से सवाल क्या मिले, यहां से सवाल आएंगे कि एग्जामिन दी पॉलिसी ऑफ सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन एक सवाल तो ये आया, मैं हिंदी में बोलूंगा इसको, मतलब आ सकता है। दूसरा आएगा
कि दूसरा सवाल आएगा कि दी डिप्लोमेसी ऑफ पटेल, दी डिप्लोमेसी ऑफ पटेल एंड द इंपैक्ट ऑफ इंडियन इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस ओके इंडिपेंडेंस प्लेड important role in the unification of the principal states with Indian Union okay। देखो यहां हमने दो तरह के प्रश्न रखा है। पहला प्रश्न क्या है, एग्जामिन द पॉलिसीज ऑफ सरदार पटेल इन द यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन इंडियन यूनियन, यानी भारतीय संघ में, लिखिए भारतीय संघ में देशी रियासतों, भारतीय संघ में देशी रियासतों के विलय, भारतीय संघ में देशी रियासतों के विलय में सरदार पटेल की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए, सरदार पटेल की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए, सरदार पटेल की नीतियों का मूल्यांकन कीजिए। यूनिफिकेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन, दूसरा सवाल है, आप लोग इसे अंग्रेजी में भी लिख लेना, द डिप्लोमेसी ऑफ पटेल एंड द इंपैक्ट ऑफ इंडियन नेशनल इंडिपेंडेंस प्लेड important role in the unification of principal states with Indian Union। हिंदी लिखिए, सरदार पटेल की कूटनीति, सरदार पटेल की कूटनीति तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में देशी रियासतों की भारतीय संघ में विलय करने में, देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय में, देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय में केंद्रीय भूमिका निभाया या महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, सबसे पहले आइए पूरा चर्चा करते हैं, और चर्चा करने के बाद आपको लिखना आप चाहेंगे तो हम इसको लिखवा देंगे। पहले थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं चीजों को समझने का, और फिर हम इसे चाहेंगे तो लिख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में
तरह के राज्य हुआ करते थे। इंडिया में तीन तरह के राज्य थे। सबसे बड़ा जो क्षेत्र था हुआ था जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश प्रांत, कहते हैं जिसको हम कहते हैं ब्रिटिश प्रांत। एक कैटेगरी इनका था, एक कैटेगरी किसका था? ब्रिटिश प्रांत का। इसके बाद भारत में जो दूसरा कैटेगरी था वह था देशी राजाओं का, हुआ था देशी राजाओं का, या हम कह सकते हैं देशी रियासतों का। इनका कैटेगरी क्या था? बी। दो तरह के हो गए। और पूरे भारत में इनकी संख्या लगभग 565 हुआ करती थी। कितनी संख्या थी? 565। यानी पूरे भारत में जो देशी राजा हैं, पूरे भारत में देशी राजा जो है उनकी संख्या है 565 उनकी संख्या है, जो कि पूरे भारत में जो भूभाग है उसका 40% पर इनका शासन चल रहा है। ये कितने राजा हैं? 565 पूरे भारत में। और इन राजाओं के अंतर्गत पूरे भारत का कितना जमीन आता है? 40%। 60% किसके लिए है? इनके लिए। और तीसरा जो है उसके लिए है ना। बताते दो पॉइंट क्लियर हो गया। हाँ, और तीसरा पॉइंट है बच्चों ध्यान रखना, और तीसरा पॉइंट है उनका जहां पर ये हो गया चंद्रनगर, ये है माहे, ये है यदम, ये ऐसे क्षेत्र हैं जिनके ऊपर फ्रांस का प्रभाव है। जिनके ऊपर किसका प्रभाव है? फ्रांस का प्रभाव है। और इसके साथ ही साथ ये हुआ गोवा है ना, ये गोवा हो गया, ये दमन हो गया, ये दीव हो गया बंबई के नीचे। गोवा और दमन दीव ये तीन ऐसे क्षेत्र हैं, गोवा दमन और दीव, गोवा दमन दीव, जहां पर पुर्तगाली सरकार का शासन। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब है कि 47 में जब हम आजाद हो गए उस समय हिंदुस्तान का नक्शा कैसा था? उस समय हिंदुस्तान का मैप था जिसमें तीन कैटेगरी के राज्य थे। एक वो राज्य जिनकी संख्या 11 थी, 11 थी ना भाई, 11 थी। हालांकि उसमें कुछ पाकिस्तान में चले गए, बात छोड़िए, संख्या तो पूरा 11, पाकिस्तान में जाने के मतलब कुछ चले गए, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट सीमांचल चला गया। तो हिंदुस्तान में ऐसे क्षेत्र कितने थे? ये ब्रिटिश प्रांत थे, पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी है हिंदुस्तान के देशी रियासत, और तीसरा कैटेगरी है उन राज्यों का जहां पर फ्रांस का और पुर्तगाल का सरकार स्थापित है। अब सरदार पटेल साहब के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि जो ब्रिटिश प्रांत है वहां से अंग्रेज तो चले गए भाई, वहां के शासन को अंग्रेजों ने हमारे हाथों में दे दिया, वो चले गए। लेकिन जो 565 यहां बैठे हुए हैं इनका क्या होगा? इनका क्या होगा? इनके हाथ में माउंट बेटन की जो योजना है 3 जून का, उसमें साफ साफ कहा गया, माउंट बेटन प्लान में कहा गया कि आज से हिंदुस्तान में ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो गया।
और हिंदुस्तान में देशी रियासत जितने भी देशी राजा हैं, नाउ दे आर फ्री, अब वे स्वतंत्र हैं। दे कैन ईदर मर्ज इन इंडिया और इन पाकिस्तान, अब वे चाहे तो पाकिस्तान में जा सकते, भारत में रह सकते हैं या चुपचाप अकेले रह सकते, तीनों आपके पास ऑप्शन है। यानी कश्मीर का राजा हरि सिंह, उनके पास तीन रास्ता था। नंबर वन, टू बी ए पार्ट ऑफ इंडिया। नंबर टू, टू बी ए पार्ट ऑफ पाकिस्तान। नंबर थ्री, नॉट टू बी ए पार्ट ऑफ बोथ। दोनों में किसी का नहीं, हम अकेले रहेंगे, स्वतंत्र हैं। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है। सरदार पटेल ने कहा कि हम हिंदुस्तान के पूरे भूभाग पर, पूरे भूभाग के 40% जमीन पर, हिंदुस्तान के पूरे भूभाग के 40% जमीन पर हम इन देशी राजाओं को, जिन्हें लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, हम शासन नहीं करने देंगे। टाइम भी होगी, टाइम होगी। यानी रोहित कुमार क्या बेटे 1:33, यानी रोहित ने लिख कर भेजा कि सर सरदार पटेल जो है वो कहते हैं कि इन राजाओं को शासन नहीं करने देंगे। तो रोहित ने लिखा कि सर 1:33 हो गया, आपको बोलने नहीं देंगे। कोई बात नहीं, चलिए अच्छी बात है, ठीक है, ओके। लेकिन रोहित अब पढ़ने पर ध्यान दो, ठीक है ना। जब पढ़ाने वाला समय नहीं देखता है तो पढ़ने वालों को भी समय नहीं देखना चाहिए, ठीक है। देखो अब रोहित था कि कौन लड़का था, ठीक है ना, नाम शॉर्ट में था, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम लोग कल मिलते हैं, ठीक है बच्चों। तो हम लोग कल इसके बारे में पढ़ेंगे। पर हाँ, आप सभी लोग जो है, कृपया जो टॉपिक हमने डिस्प्ले किया है उसको जो है, अच्छा रोहित ने नहीं बोला था, रोहित लिख के भेजा है कि हम, अच्छी बात है रोहित, मैं तुमको जानता था इसलिए मैंने कहा, ठीक है। तो आप इन टॉपिक को पढ़ के आइएगा, ठीक है बच्चों। और कोई प्रॉब्लम हो आप लोग व्हाट्सएप है, शेयर करिए। देखिए कल रात में 10:30 बजे हमने प्रियंका का कॉपी देखा, हमने नीतीश का, मुर्मू का कॉपी देखा, हमने ज्योति का कॉपी देखा। तो ऐसा नहीं होता है कि आप आंसर लिखें और हम न देखें, ठीक है। चलिए तो हम लोग कल मिलते हैं, थैंक यू। देखो एक समय होता है, अभी तुम्हारे पास जो समय है ना, इसका बढ़िया से उपयोग करो, मतलब एसडीएम बन जाओगे, जीवन बन जाएगा, निश्चिंत हो जाओगे, है कि नहीं। बाकी तुम्हारा शेष जीवन जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा। आइए, संभव है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। क्या नहीं, डिस्टर्ब मत रहा करो, ठीक है। देखो